मेरी हाइट 5'8½ है। मेरे पाँव एकदम आराम से लग रहे हैं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे को। थोड़ा मैं पीछे भी बैठ गया हूँ तब भी। अब यहाँ से हंटर की ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक होगी, तो हीट फील नहीं हो रही मेरे को, तो ये गाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, बहुत ही ईजिली क्रॉस कर गई है, इतनी जगह पे बैठी हुई है ये, पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं। अगर बैक सपोर्ट होती ना तो एटलीस्ट बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे से कोई खड्डा वगैरह कुछ आ रहा था ना, कोई बम्प आ रहा था, तो डर होता है पीछे गिरने का। तो अभी इसकी स्पीड हम उठा के देखते हैं कितनी पर जाती है। तो पहुंच गए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे, हंटर की आज लेंगे टेस्ट ड्राइव। और हंटर की टेस्ट ड्राइव के साथ साथ मेरे साथ पिलियन भी है, मेरी बहन। रेडी? चलो इसको बिठा के देखेंगे कि पिलियन के लिए कैसा है। सो चाबी मिल गई है और बड़ू चले तो चाबी इन्होंने दे दी है, मेरा लाइसेंस रख लिया है, एंड लेट्स सी किस तरह से लगता है। पर गुड्डू तेरा हेलमेट निकाल ले पहले। हाँ मेरा हेलमेट निकाल ले। कुछ इससे दिख रही है, छोटी लग रही है ना थोड़ी, मुझे कंपेयर करें यहाँ से तो स्क्रैम खड़ी है, तो पाँव पूरे लग जाते हैं नीचे। मेरी हाइट 5'8½ है और 5'8½ हाइट वाले के लिए छोटी है। मेरे पाँव एकदम आराम से लग रहे हैं, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे को। थोड़ा मैं पीछे भी बैठ गया हूँ तब भी, पिछली सीट पे लगभग हूँ और तब भी मेरे पाँव नीचे लग रहे हैं। और ये कुछ स्विचेज हैं इसके, यहाँ से आ रहे हैं। देखें ये कैसी कंफर्टेबल फील करती है कि नहीं। हाँ हाँ बैठ ना, कह रही है पक्का। कैसा फील हो रहा है अभी तक? तो ठीक है ठीक है। हाँ मतलब पीछे से जगह है? हाँ हाँ जगह तो है। चलो ठीक है एक बार चला के देखते हैं। अब तो चलो लेट्स सी, रास्ता थोड़ा सही नहीं है और इसमें हंटर का टेस्ट भी हो जाएगा। पिकअप अच्छी है, ये आप देख लो रास्ता कैसा है। अब यहाँ से हंटर की ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक होगी, ये देखो थोड़ा सा इसका जो सस्पेंशन है स्टिफ है, पहले ही पॉट होल से पता लग गया, पर ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या है ये। थोड़ा सा इसको भगाते हैं, इसने मुझे पकड़ लिया है। डरी पड़ी है, डरी हुई है गुड्डू। अरे पीछे वो रखने के लिए दिए यार, डांस करने के लिए। ये देख लो पिलियन के लिए पीछे कह रही है कि वो जो होता है ना बैक सपोर्ट, वो नहीं है इसके अंदर लगी हुई, वो लगानी जरूरी है हंटर में, अदरवाइज आप समझ सकते हो कि छोटी। देखो मैं पूरा एकदम ऐसे होके बैठा हूँ और पीछे ये इसको भी जगह पूरी मिल गई है, बट कंपेयर टू अदर बाइक्स इसके अंदर कम है जगह, छोटी है। मैंने जैसी जैसी इसको देखा वैसी बोल दिया। अब ये रास्ते ऐसे हैं, हम पूरे ख़राब रास्तों में लेके जाएंगे, और भी ख़राब रास्ते हैं, वहाँ जाके इसका पूरा टेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल ही ख़राब रास्तों में कैसे चलेगी। पिकअप इसकी जैसे अगर बाकी से कंपेयर करूँ तो थोड़ी ज़्यादा है, रीज़न ये बाइक बहुत हल्की है, ये रॉयल इनफील्ड वाला ना फ्लेवर नहीं दे रही, जैसे वो बाइक्स हैवी रहती है ना मेटल एंड एवरीथिंग, ये बाइक ऐसे फील हो रही है जैसे मैं कोई और, मान लो जैसे SD वगैरह की बाइक चला रहा हूँ, हल्की बाइक्स जो उनकी रहती हैं। ओह अब ये रास्ता देख लो आप। हाँ इसके अंदर एक खासियत है, अगर मैं सेकंड गियर में हूँ, थर्ड गियर में हूँ, किसी भी गियर में हूँ ना, तो ये बाइक पिक कर रही है, ऐसा नहीं कह रही कि गियर छोटा कर लो। अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में आया, वो सामने आपको दिख रहा होगा फर्स्ट गियर, ये सामने गियर मीटर में फर्स्ट गियर दिख रहा है, तो ओहो अब आई मज़े वाली चीज़, इसके ऊपर से लेके चलते हैं। चलो चल गई भाई। तो मतलब ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस फील नहीं होने दे रही, कहीं भी लगी नहीं है नीचे, रास्ता आप देख ही रहे हो किस तरह का है, सारा ख़राब रास्ता है पूरा। ये देखो मैं जानबूझ के इस रास्ते पे लेके आया हूँ जस्ट टू टेस्ट
द बाइक की किस तरह से है, पूरा देखो रास्ता वैसे ही है, पर बाइक ने मेरे को निराश नहीं किया। बाइक ना नीचे कहीं लगी है ना कोई प्रॉब्लम आई है। हाँ पिलियन का थोड़ा सा इशू है, ये ब्रेक मारता हूँ पिलियन डर के बैठा हुआ है जगह की वजह से, और पीछे उसको वो नहीं है बैक स्पोर्ट इसमें लगी नहीं हुई तो थोड़ा सा डर रही है। लेट्स सी, पाँव पूरे नीचे लगते हैं इस करके कॉन्फिडेंस फुल आ जाता है कि कुछ भी हो संभाल लेंगे, और हल्की बाइक है इस वजह से भी कॉन्फिडेंस फुल है। यू टर्न ले लिया गया है, अब थोड़ा रास्ता सही है यहाँ का, तो यहाँ हम थोड़ी भगा के भी देखेंगे। अब ये देखो ये वाला जो एकदम हम्प है बिल्कुल नीचे नहीं लगी, नीचे कई लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है, तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई लोग कह रहे हैं इशू। गुड्डू पकड़ ले अच्छे से, मैं तेज कर रहा हूँ। हाँ यार ये भागती है फूल, अभी देखो 80 पे आराम से चलेगी। भागती है फूल, 80 तो यूं ही चल जाती है। थर्ड गियर पे गई थी, 80 क्रॉस कर रही थी आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। ये जा रहा है स्टैंडर्ड, तो इट्स अ गुड बाइक यार, इट्स अ गुड बाइक, बट छोटी है थोड़ी, मतलब जिनकी हाइट थोड़ी 5'8" से ऊपर आ जाती है, 5'8" भी है, उनको फील होगा कहीं ना कहीं ये छोटी है, पर पाँव नीचे लगते हैं। कईयों को जो रॉयल इनफील्ड में वो लगता है कि यार पाँव नीचे नहीं लगते ना, वो वाला कंट्रास्ट ख़त्म हो जाता है। ट्रैफिक देख सकते हो आप, एंड आवाज़ आप सुन ही रहे हो, तो आजू बाजू वाले सब देख रहे हैं। हॉर्न इसका हल्का है, एंड स्पीडोमीटर इज़ गुड। यहाँ पे आपका दूसरा आ जाएगा नेविगेशन वाला, वो भी आ जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ छोटा सा इनका ये है विंडशील्ड है, तो इसका कोई फ़ायदा एज इन फील तो नहीं हुआ, थोड़ा हाइट होती तो हवा इसका वो जो वेव आती है उसे बचाता, बट इतना आई डोंट थिंक सो। मिरर में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं थी, बाइक बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही, एकदम स्टेबल बाइक है। ये हमारी जो रेल्स हैं इंजन को बचाने के लिए, इंजन गार्ड रेल्स, तो बाकी साइलेंसर इसका थोड़ा छोटा फील होता है, बट अच्छा है, स्पोर्टी लुक है। चलो तो हीट फील नहीं हो रही मेरे को, अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि हीट इशू है या समथिंग, इट्स ऑल गुड। बाइक अच्छी चल रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बाइक बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी हीटिंग इशू फील नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल बिना सोचे हुए कि ये रॉयल इनफील्ड है, खड्डे हैं, वो कोई फील नहीं हुआ। पिलियन को मैं अभी पूछता हूँ, सिस्टर को मैं पूछता हूँ कि उसको कैसा फील हो रहा है खड्डों में। कहीं आगे रोकता हूँ थोड़ी जगह पे। चलो इतनी जगह पे बैठी हुई है ये, एंड पीछे कितनी जगह है, पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर बैक सपोर्ट होती ना तो एटलीस्ट बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे से कोई खड्डा वगैरह कुछ आ रहा था ना, कोई बम्प आ रहा था, तो डर होता है पीछे गिरने का, ठीक है, तो एकदम से वो चीज़ का मेरे को लगा। बाकी बैठने में बहुत कंफर्टेबल थी, मेरे को साइड से बहुत अच्छी लगी थी, वैसे बैक सपोर्ट का लगा मुझे और जगह थोड़ी कम लगी मुझे। अच्छा एक काम कर तू, इसकी तेरी हाइट कितनी है? मेरी 5'2" है। इसकी 5'2" है, देखते हैं इसके पाँव नीचे लगते हैं बाइक पे के नहीं लगते, लगा जरा। हाँ कर कर सीधी कर, वही तो होगी, हो गई ना, हल्की है यार, हल्की है, बहुत हल्की है, चला लेगी। हाँ चला लेगी। हाँ, सही बता। हाँ, हाँ। बैठू पीछे? हाँ बैठ। तो अभी इसकी स्पीड हम उठा के देखते हैं कितने पे जाती है। वू, और ब्रेक भाई गजब की ब्रेक लगती है, तुरंत ABS किक इन करता है, ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, और कोई दिक्कत नहीं है बाइक के अंदर, ज़बरदस्त ब्रेकिंग है बाइक की, और आवाज़ इसको आपको एडिशनल से आपको वो साइलेंसर बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, क्या मारती है एकदम से, 80 तो यूं ही भाई, तीसरा गियर 80 यूं ही, कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम झटके से आता है। अब देखो ये एकदम पूरा खड्डे वाला रास्ता है, अब ये जैसे अब उतरेगी यहाँ से, हाँ एकदम खड्डे से उतरी है भाई, पर बाइक ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, कोई झटका नहीं, कोई लैग नहीं, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं होता कि, ये देखो ये खड्डा देखो बहुत ज़्यादा, बहुत सही था। अब ये तीसरे गियर में मैं उठा रहा हूँ इसको एकदम से,
कोई बाइक ऐसा फील नहीं होने दे रही कि मेरा गियर बड़ा है। अभी ये देखो ये गाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, बहुत ही ईजिली क्रॉस कर गई है। हाँ हालांकि गाड़ी को मैं बाइक से कंपेयर नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर मैं रॉयल इनफील्ड की बाकी बाइक से कंपेयर करूँ या बाकी जो भी इस कॉम्पिटिशन में बाइक्स हैं, अच्छा इसका सस्पेंशन है, थोड़ा सा स्टिफ है, यस थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा इस ऑफ रोड वापस ऐसे छोटा मोटा रफ पैच है इसका तो पता ही नहीं लगेगा। बैक टू पवेलियन रॉयल इनफील्ड के आगे हम शोरूम। बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लगी मेरे को। तो ये आप देख सकते हैं ये स्क्रैम 411, ये हंटर 350 और ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक। पर्सनैलिटी वाइज वो लग रहा है मेरे को सूट करेगी। ये बहुत छोटी फील हो रही होगी, आप थोड़ा पीछे जाके दिखाइए, ये आपको छोटी फील कर रही होगी इनके मुकाबले। इसके अंदर भी मेरे पैर नीचे लग जाते हैं, इसमें फोर्ट लग जाते हैं, उसमें भी लग जाते हैं, मेरे तीनों में लग जाते हैं। मेरी हाइट 5'8" 5'9" बोल सकते हो। दिस इज ह्यूज, इतनी बड़ी है और वो इसके सामने कितनी छोटी फील हो रही है। देखो वो पीछे स्क्रैम खड़ी है, ये कितनी छोटी लग रही है क्लासिक के सामने। हंटर है वो, तो हंटर थोड़ी छोटी है, पिलियन के हिसाब से भी इसको अच्छी लगी, बस सीट छोटी है इसकी, सीट थोड़ी छोटी लगी। बाकी बाइक इज गुड, चलाने में तेज चलती है, बढ़िया। अब 5'2" के लिए देखो इसने चला के भी दिखाई, चलती भी है, पैर भी लग जाते हैं नीचे। स्टैंड उतार, गर्ल्स के लिए सही है ना, इतनी सीट पिलियन के लिए बच रही है, सो इट्स गुड, गर्ल्स के लिए अच्छी है। और राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है ना, इसका पोस्चर अच्छा है ना राइडिंग का। और वो ऐसे मतलब तेरी बॉडी के साथ ठीक लग रही है। हाँ ये नहीं लग रही। सो ऑन रोड कॉस्ट आ रही है 2 लाख और 2,05,000 रुपये। तो रेट्रो और मेट्रो का मैं बता रहा हूँ, तो मेरा मन तो स्टैंडर्ड पे ये 350 नेक्स्ट जनरेशन, घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे वो अलग बात है, जिद में ही लेना पड़ेगा। मज़ा आया चला के? मेरी भी हो जाएगी ना ये वाली भाई, स्टैंडर्ड पे चला ही लेगी तू, सेम हाइट है। हाँ हाइट भी सेम है, सब चला लेगी, स्टैंडर्ड वो पड़ा हुआ है, बैठना बैठ के देख ले, अगर ये भी चला लेगी ऐसा तेरे लिए इशू नहीं है। हाँ ऐसा ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, हैप्पी। सो थैंक यू फतेह मोटर्स एंड रॉयल इनफील्ड फॉर हैविंग अस और हमें मौका दिया हंटर को ड्राइव करने का। थैंक यू माय सिस्टर, यहाँ पे आई, मेरी वीडियो बनाई, हमने लिए फोटो ली मेरी सिस्टर ने, थैंक यू उसका, इट्स ओके, वेलकम। चलो थैंक यू फतेह मोटर्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रॉयल इनफील्ड शोरूम्स इन जलंधर, क्योंकि ये कस्टमर को सुनते हैं एंड जैसी उनको नीड होती है ना वैसी उनकी हेल्प करते हैं और वैसी बाइक देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाइक आई है तो आप ये ले लो, सो इट्स अ बेस्ट पार्ट अबाउट देम। थैंक यू, चलो बाय। Shall we?